दादाजी का ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दादाजी का इनहेलर भी मिल गया। अब दादाजी ठीक हो जाएंगे। ये लो, अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है, अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। पारपरी, ये देखिए, टिक टिक के पैरों के निशान तो विवान के घर की तरफ जा रहे हैं। चलो। Not so soon, परिया। और अगर कदमों के निशान ही तुम्हें टिक टिक तक पहुंचाने वाले हैं, तो लो दिल खोल के तुम्हारे लिए कदमों के निशान बना देता। रुको। ये क्या हो रहा है? इस यंत्र में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी बालपरी? टिक टिक के कदमों के निशान तो हर जगह पे हैं। हम किस दिशा में जाएं बालपरी? बड़ी आसानी से तुमने चलती हुई ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराते हुए रोक दी थी ना बालवीर, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। हुई ट्रेन को बचाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा बालवीर। जब तक तुम इस ट्रेन को बचाने में व्यस्त रहोगे, तब तक रे और भयमार तीसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेंगे। ट्रैप्स भी खत्म हो गए, लेकिन ये सफेद राक्षस तो नॉकआउट ही नहीं हो रहा। सफेद राक्षस? बालपरी, आरोहित किस सफेद राक्षस के बारे बात कर रही है? अभी पता लगाते हैं। वो दानव विवान के घर पे ही है। चलो। पर बालपरी, आरोही की आदर्श? वो हम बाद में मिटाएंगे, पहले उस दानव को पकड़ते हैं। चलो। क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना टिकटिक? लगता है दूसरों की आंखों की रोशनी खींचते खींचते तुम्हारी खुद की आंखें खराब हो गई। क्या तुम भी भयभार की तरह दृष्टिहीन होना चाहते हो? चलिए मेरे पास चले आए। नहीं, मैं यहाँ अपनी आंखें डोनेट करने के इरादे से नहीं, बल्कि तुम्हारी एक घड़ी तुमसे लेने आया हूँ। मेरी जादुई घड़ी कहाँ चली गई? इस आपातकालीन यंत्र की मदद से किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। ये यंत्र मुझे बालपरी ने दिया था। जादुई घड़ी ना सही, लेकिन हिमलोक जाने का यंत्र मिल जाएगा। मेरे होते हुए तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे तिमनासा। बालवीर मुसीबत में है, मुझे पुकार रहा है। बालपरी, आप जाइए, हम इस रे को संभाल लेंगे।
फूल को ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे बालों की शक्ति ही बालवीर की मदद करेगी। सिर्फ बालवीर को उलझाया, अब उसकी माँ भी इस रेलगाड़ी को बचाने के चक्कर में उलझ गई है। यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब टिक टिक पर नजर रखने वाला कोई नहीं बचा होगा भारत नगर में। नहीं, करते रहो अब तुम दोनों समाज सेवा और मैं चली दुनिया को बर्बाद करने। तिमनासा, अरे गिर पड़ेंगे, दरवाजे नहीं खुल रहे। मुझे लगता है एसी डक्ट में चल गए। अंधेरी, दम 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 घुट जाएगा। इसका मतलब हम सब लोगों की चिता इसी डब्बे में जल जाएगी। अरे नहीं नहीं दीवानिया की, देखिए हिम्मत रखिए, हिम्मत रख, हिम्मत हिम्मत विवान, हिम्मत रखिए, ऑक्सीजन। अरे देखिए हिम्मत, ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं और हम रॉकेट को स्पेस पर लैंड करवा सकते हैं। और अगर हिम्मत है तो गिर पड़े अंकल दिवाले आंटी। अरे उठिए, होश में आइए। लगता है ये सब टिम्मी आंटी के जादू के कारण हो रहा है। बालों की मदद से इस रेलगाड़ी को रोक सकती है। हाँ बालवीर, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो
चलते हुए डिपो को बाकी डिपो से अलग कर दो। रे और भैमार ने कहा था कि टिक-टिक उनके कब्जे में है, लेकिन यहाँ तीनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। न जाने ये भैमार को क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है ये? ये सूरदास की तरह क्यों चलते हुए आ रहे हो भैमार, क्या हुआ? ये मजाक का वक्त नहीं है रे, अगर तिमनासा को पता चल गया कि टिक-टिक हमारे पास नहीं है। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। तिमनासा को पता चल चुका है भैमार। तिमनासा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये हम मुझे खुद ही अपने जहाज को डूबने से बचाना होगा। ये टिकट तो पिघलना शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी अजाबी बन जाएगा। धोखे की लहर तो समंदर किनारे वापस आ ही गई, अब करने की सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी अपने मित्र की तरह। मुझे ये यंत्र दे दो ताकि मैं अपने लोग वापस जा सकूं। ला, 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 ला। मेरा दिल धड़क धड़क कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये यंत्र नहीं दूंगा। माँ, मैंने कोशिश कर ली लेकिन वो डब्बे अलग ही नहीं हो रहा है। और बालवीर, हम हमारी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो वो आग और ज्यादा फैल जाएगी और बाकी के डिब्बे भी जल जाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे, मैं आगे से नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते टिक-टिक, क्योंकि अब तुम दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले हो। अगर टिक-टिक तिमनासा के कंट्रोल में आ गया तो तिमनासा को वो की मिल जाएगी। पर हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते अनन्या। हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते, लेकिन टिक-टिक हेमलोक जाना चाहता है, तो क्यों ना टिक-टिक को वो यंत्र दे दिया जाए जो डूबा डूबा के पास है। हाँ, तो कम से कम वो कुंजी तिमनासा के हाथ तो नहीं आएगी। टिक-टिक, अगर तुम चाहो तो उस यंत्र का इस्तेमाल करके हेमलोक जा सकते हो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस यंत्र के जरिए टिक-टिक को हिमलोक नहीं भेजा है। ये कहाँ आ गया मैं? इन परियों ने धोखे से मुझे कहाँ भेज दिया? तुम चिंता मत करो टिक-टिक, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम दुर्लभ कुंजी बन जाओ और अच्छाई के काम आ सको। यही तुम्हारी नियति है टिक-टिक, इसे खुशी खुशी स्वीकार लो।
माँ, हमने तीसरी दुर्लभ पूंजियों को हासिल कर लिया। वो दुर्लभ पूंजी मुझे दे दो बालवीर। ऐसा कदापि नहीं हो सकता तिमनासा। अच्छा, तो क्या तुम एक चाबी के लिए इस रेल में फंसे लोगों को जलने दोगे? दुर्लभ कुंजी की सुरक्षा के लिए, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर खुद का भी बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम बालपरी, तुम तो एक माँ हो ना, बहुत ममता दिखाती हो, क्या तुम इतने सारे लोगों की जली हुई लाश उठाने के लिए तैयार हो? सोचो मत और जल्दी फैसला करो तुम दोनों, एक चाबी या सैकड़ों लोगों की जान। पहली दो कुंजियां तो हमारे पास है, इस तीसरी कुंजी के बदले में इतने सारे निर्दोष लोगों की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकती। हमारे पास आखिरी कुंजी पाने का एक और मौका होगा। बालवीर, ये दुर्लभ कुंजी तिमनासा को दे दो। माँ, लेकिन ये कुंजी, मैं जो बोल रही हूँ वही करो। इसी के साथ तीसरी चाबी भी हुई मेरी। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि उनके पास जो पहली दो चाबियां हैं वो नकली हैं। बहुत सही निर्णय था तुम्हारा बालवीर। और बालपरी, बालवीर, बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त इन सारे लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तिमनासा भले ही ये कुंजी ले गई हो, लेकिन अभी भी दो कुंजियां हमारे पास ही हैं। और जब तक तिमनासा के पास चारों कुंजी नहीं आ जाएगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, आप सही कह रही। हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमने सबकी जान बचा ली। हाँ बालवीर, यही हमारी जीत है। दादाजी, चेष्टा आप जब दिखते हो ना। हाँ, तू ठीक है ना? सब ठीक है ताई? तू ठीक है ना दादाजी? मुझे तो आप में पूरा भरोसा था कि आप हमें बचा ही लोगे। अच्छा चिंटू, तुम्हें पूरा भरोसा था? और नहीं तो क्या, हमने एक सेकंड भी अपने अंदर के बालवीर पे डाउट नहीं किया और पूरे हिम्मत से डटे रहे। तुम दोनों डटे रहे, वाह। अरे रिंकू सुतली, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने बालवीर पर ट्रस्ट किया और किसने नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि बालवीर ने हमारा ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। Very good, thank you, बालवीर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं, और वादा भी कि इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। बधाई हो तिमनासा, हमें तीसरी और दुर्लभ कुंजी मिल गई है। और उन वीर लोक वाले फूल्स को तो ये पता तक नहीं है कि जो दो चाबियां उनके पास है वो नकली है। That means we are in a win-win situation. बस एक दुर्लभ कुंजी
और मैं बन जाऊंगी महाशक्तिशाली। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.